सब्सक्राइब कीजिए एक्सेस बॉलीवुड को, बेल आइकॉन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो में कुछ भी बोलूं, मैं उन सभी लोगों को जो ये सोचते हैं कि मैं ये वीडियोस पब्लिसिटी के लिए या फुटेज खाने के लिए बना रहा हूं, आप तुरंत फौरन से पहले ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं मैं अपने दोस्तों के लिए, सुशांत के फैंस के लिए। सुशांत के जाने के बाद उसके जितने भी फैंस से मैं जुड़ा वो सब मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरा परिवार बन गए हैं और हम सब एक परिवार हैं। ये परिवार वालों का वीडियो है, आप बाहर वाले हैं, आप प्लीज़ बीच में घुसने की कोशिश मत कीजिए। तो अब बात करते हैं अपने परिवार वालों से। सबसे पहले हम सबको बहुत बहुत मुबारक कि हमारा जो केस है सुशांत भाई का वो CBI के पास में जाने वाला है बहुत जल्दी, और CBI जब उसमें जाँच करेगी तो सच ज़रूर सामने आएगा। इसके लिए सबसे पहले मुबारक के हकदार हैं आप सब लोग, देश की जनता, ये करोड़ों लोग जो सुशांत के फैंस हैं, जिनका अब मैं भी एक हिस्सा हूं और हम सब इसका परिवार है। और हमारे बाद अगर कोई बधाई का पात्र है तो वो है मिस्टर अर्नब गोस्वामी, हमारा टाइगर, इश्करण भंडारी और हमारे भीष्म पितामह सुब्रमण्यम स्वामी जी। अब बात आती है इस वीडियो की, कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मुझे मेरे जो ये परिवार के सदस्य हैं, मेरे दोस्त नए जो बने हैं, इनकी असंख्य गालियों, फटकार और डांट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझसे पूछा गया कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम एक्टिंग करना है। जब कोई बात नहीं कर रहा था इस केस के बारे में, तब मेरा वीडियो बनाना समझ में आता था, मेरा वीडियो में गुस्सा जाहिर हुआ था। अभी सारी दुनिया बात कर रही है, केस बिल्कुल सही जगह पहुंच गया है जहां पहुंचना चाहिए था। तो अब मैं कोई वकील तो हूं नहीं इश्करण भंडारी जी की तरह, या मैं अर्नब की तरह बात नहीं कर सकता। अर्नब इज अवर टाइगर, अर्नब हम सब के लिए बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी कुछ बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मैं इसलिए चुप था। और मैं घटना स्थल पर नहीं था जब ये कुकर्म हुआ, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। जितना मैं अंदाजे से बोल सकता था या जितना मैं भावनाओं से बोल सकता था मैंने बोल दिया। लेकिन अब वीडियो बनाया है तो आप अपने परिवार के साथ मैं कुछ तो बात करूंगा। तो चलिए परिवार के लोग मिलकर एक बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती भगवान भी है, ऐसा मत सोचो कि भगवान नहीं है, भगवान है और बहुत ज़ोर से मार पड़ती है उसकी। अगर तुमसे कोई गलती हुई है, हम तुम्हारे से विथ फोल्डेड हैंड्स, तुम्हारी ही लैंग्वेज में विथ फोल्डेड हैंड्स हम तुमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम क्लीन, अभी आके बता दो कि क्या क्या गलत तुमने किया, तुम्हारे परिवार ने किया और सुशांत के साथ तुमने जो भी किया है बता दो। तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आएगी सरकार भी और कोर्ट्स भी और बिहार पुलिस भी। बिहार पुलिस बहुत गुस्से में है, तुम चूज़ करने की कोशिश कर रही थी कि मैं बिहार पुलिस के पास ना जाऊं, मैं CBI के पास ना जाऊं, जबकि तुमने ही पहले CBI की मांग की थी जब तुम्हें लगा था कि CBI के पास तो केस जाएगा नहीं। तुम्हारे बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम झूठी हो, इससे ज़्यादा मैं बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। यू आर अ लायर रिया, तुम बोलती हो कि मैं सुशांत की प्रेमिका थी, मैं गर्लफ्रेंड थी उसकी, तुम अगर उससे प्यार करती थी तो उसकी शमशान घाट पर अंतिम क्रिया पर जाने से तुम्हें किसने रोका था? तुम अंदर ना जाती, बाहर खड़ी रहती गाड़ी में, बाहर तुम्हारे को प्रेस वाले तो बाहर भी कवर कर लेते। तुम रिया चक्रवर्ती उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड हो ना, सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर वेट कर रही थी, तुम नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारे अंदर चोर था। उसके बाद जब एक महीने तक सारी दुनिया ने हल्ला मचा दिया तो तुम्हें लगा कि चलो आई विल ऑल्सो ज्वाइन द बैंड वैगन, मैं भी CBI की मांग कर देती हूँ। रिया मत करो ये, तुम देखो आई डोंट नो तुम्हें कौन लोग सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो लोग तुम्हारे हितैषी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स से पूछो, वो तुम्हें सच्ची सलाह देंगे। मैं रिया के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी बच्ची बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाली है, आप लोग प्लीज़ अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसे कहिए कि जो कुछ भी उसने गलत किया है, जो पैसे का अगर एम्बेसलमेंट हो तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी सब उगलवा लेगी। देखिए सरकार से आप छुपा नहीं सकते, मैं यही कहूँगा कि प्लीज़। और सिद्धार्थ पैठानी, तुम उस घर में पलते थे भैया, कहाँ है तुम्हारे संस्कार, कहाँ है? तुम्हारे को नहीं सिखाया गया कि जिसके घर में खाना खाते हैं, जिसका नमक खाते हैं, उसके साथ में नमक हलाली करते हैं? ये क्या है, हर बात पे एक ही बात का राग तुमने अलाप रखा है कि आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारा तो नाम ही ये रख देना चाहिए सिद्धार्थ आई डोंट नो पैठानी, तुम हर बात पे कह देते हो। अर्नब जब सवाल पूछते हैं तो आई डोंट नो। देखो भाई, मैं तुमसे बड़े प्यार से कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग तुमसे जाँच करने आने वाले हैं वो प्यार से बात नहीं करेंगे,
वो डंडे पर चढ़ा देंगे, पंखे पे उल्टा टांग देंगे तुम्हारे को, और सारी रात ऐसे ही सूखने देंगे पंखे के साथ। मत करो ऐसा, जो कुछ जानते हो वो बता दो। और वो चिकना घड़ा जो है संदीप सिंह, संदीप सिंह मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म भी बना लोगे ना, तुम अपने आप को डायरेक्टर बोलते हो, मैं थूकने नहीं जाऊंगा वहां पर। तुम इतने ज्यादा गलीज इंसान लगते हो बातों से ही। मैं कभी किसी को इस तरह के शब्द को इस्तेमाल नहीं करता हूं, बट तुम्हारे लिए करूंगा, बिकॉज और कुछ शब्द मिलते नहीं। ये मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं ये बोलकर भी, ये समझ लीजिए। और मैं क्या कहूं तुम्हारे बारे में, हैव सम कॉन्शियस, तुम्हारी अंतरात्मा है कि नहीं, बिल्कुल ही शैतान को बेच के खा गए हो तुम लोग बिल्कुल। देखो उस लड़के के साथ बहुत गलत हुआ है, उसके परिवार ने हिम्मत की। हाँ एक मैं और लोगों के नाम लेना भूल गया, अंकिता लोखंडे, वी ऑल लव यू, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग आउट। आप जिस जज्बे के साथ बोली, आई सल्यूट यू। महेश शेट्टी, उनके जो दोस्त हैं, अभी तक वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन खबर आई है कि वो प्राइम विटनेस बनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू महेश, हम सबकी तरफ से जो सुशांत के फैंस हैं और जो सुशांत का परिवार है। के सिंह अंकल सर और सुशांत की जितनी बहनें हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपका एक बेटा चला गया है, वो शहीद हुआ है, लेकिन आपको हमारी फॉर्म में हजारों लाखों करोड़ों बच्चे मिले हैं। आपका एक बेटा गया है या आपका एक भाई गया है, हम सब आपके भाई हैं, मैं उसकी बहन को ये बोलता हूँ। और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी उद्योगपति या स्पॉन्सर्स सुशांत को अपनी एड्स में लिया करते थे, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कीप ऑन यूजिंग सुशांत इन दोज एड्स। आप वही एड्स वापस दिखाते रहिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, हम सुशांत के करोड़ों फैंस हैं, हम सिर्फ आप ही के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। आप लोग जो सुशांत के साथ में आपका करार था, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, आप लोग एक काम कीजिए कि उसका चाहे आधा पैसा भी सुशांत की फैमिली को देते रहिए, जो भी आपका था कि एक साल में या तीन साल में रिन्यू होना है, जिससे कि ऐसा नहीं कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है, लेकिन जो सुशांत का है वो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी तो कोई मोहतरमा गफलत करके सब खा गई है, जो कि निकलेगा बाहर, लेकिन आप लोग सुशांत को इस तरह से ज़िंदा रख सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहता हूँ, जो जनता है, आप लोगों को अपनी पावर पता चल गई ना कितनी ज़्यादा है, तो आप लोग उन हीरोज़ को हीरोज़ क्यों बनाते हैं जो हीरोज़ नहीं हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर वो हीरो दिखते हैं, आपको इमेज एक पोर्ट्रेट की जाती है और आपको लगता है कि यार ये आदमी तो कमाल का है, वो कमाल के नहीं हैं। वो कमाल के होते तो सामने आते और मुँह से फूटते कुछ ना कुछ, नहीं बोले ना। तो आपको अब चूज करना है कि आपका हीरोज कौन है, अर्नब गोस्वामी जैसे, इश्करण भंडारी जैसे, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे हीरोज, या वो हीरोज जो सिर्फ पर्दे पर 50 लोगों की धुलाई करते हैं और असल में कुछ हो जाए तो मुंह पे ताला लगा लेते हैं। तो मैं ये सब स्पॉन्सर से बोलता हूँ, वाई डोंट यू टेक अर्नब एज योर मॉडल और इश्करण एज योर मॉडल, या उन मिलिट्री ऑफिसर्स या उन एयरफोर्स ऑफिसर्स या नेवल ऑफिसर्स या उन पुलिस ऑफिसर्स को आप लोग अपना मॉडल क्यों नहीं बनाते हैं, जिन्होंने देश की जनता के लिए अपनी जान दी है या जिन्हें वीरता के चक्र मिले हैं। ट्रस्ट मी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा, ट्रस्ट मी आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकेंगे। मैं देश की जनता से आह्वान करूंगा, ये एक मुहिम छेड़ देते हैं हम लोग। हाय फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो में कुछ भी बोलूं, मैं उन सभी लोगों को जो ये सोचते हैं कि मैं ये वीडियोस पब्लिसिटी के लिए या फुटेज खाने के लिए बना रहा हूं, आप तुरंत फौरन से पहले ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं मैं अपने दोस्तों के लिए, सुशांत के फैंस के लिए। सुशांत के जाने के बाद उसके जितने भी फैंस से मैं जुड़ा, वो सब मेरे दोस्त बन गए हैं, मेरा परिवार बन गए हैं, और हम सब एक परिवार हैं। ये परिवार वालों का वीडियो है, आप बाहर वाले हैं, आप प्लीज बीच में घुसने की कोशिश मत कीजिए। तो अब बात करते हैं अपने परिवार वालों से। सबसे पहले हम सबको बहुत बहुत मुबारक कि हमारा जो केस है सुशांत भाई का, वो सीबीआई के पास में जाने वाला है बहुत जल्दी, और सीबीआई जब उसमें जांच करेगी तो सच जरूर सामने आएगा। इसके लिए सबसे पहले मुबारक के हकदार हैं आप सब लोग, देश की जनता, ये करोड़ों लोग जो सुशांत के फैंस हैं, जिनका अब मैं भी एक हिस्सा हूँ, और हम सब इसका परिवार है। और हमारे बाद अगर कोई बधाई का पात्र है तो वो है मिस्टर अर्नब गोस्वामी, हमारा टाइगर, इश्करण भंडारी, और हमारे भीष्म पितामह सुब्रमण्यम स्वामी जी। अब बात आती है इस वीडियो की कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो मुझे मेरे जो ये परिवार के सदस्य हैं, मेरे दोस्त नए जो बने हैं, इनकी असंख्य गालियों, फटकार और डांट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।